Hey guys, my name is Virendra Singh. Welcome to the Smart Learning Academy. Smart Learning Academy आपके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज जो है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है और अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि न्यूमेरिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, आपके एनालिटिकल टेक्निक्स, इन सब के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपके DVT-JRF, GATE एज वेल एज CSIR में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके क्रैश कोर्स को लेके आया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उन चीजों को लर्न कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको रेगुलर जो अपडेट्स हम वीडियोस सुबह 10 बजे अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी आपकी क्वेरीज को हेल्प करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्रैश कोर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आते हैं इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सभी यहां पे देखेंगे, जैसे कि आपके मोल कॉन्सेप्ट, फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्या, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोपरमिटिविटी या एनर्जी रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पे कर चुके हैं, बता चुका हूं बायोकेमिस्ट्री के सेशन में कि जैसे M1 V1 M2 V2 का कॉन्सेप्ट होता है, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट होता है EP1 E2 P2 E1 P1 E2 P2 का, मतलब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ सेकंड मीडियम, P2 is the permittivity of the second medium। जब अगर आप इस पे देखोगे तो आराम से क्या है E2 P2 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वाटर में दो एटम के बीच की एनर्जी है -6 किलो जूल पर मोल और उनकी जो परमिटिविटी है 80 है, तो वैक्यूम में उनके बीच की एनर्जी क्या होगी। तो वैक्यूम का परमिटिविटी जो होता है वो होता है 1 और यहाँ पे 1 रखिया और यहाँ पे E1 P1 रखिया, -6 किलो जूल, ये 80 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा -480। ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द वेरिफिकेशन। जी वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा एंड सुस्मिता, इज इट क्लियर। ये सब क्वेश्चन कर चुका हूं मैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में करवाया जा चुका है आप लोगों से 2019 बायोकेमिस्ट्री। मैं पूरा एक्सेल बीटी सब उठाऊंगा, ठीक है, सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। This one, ये question भी करवाया जा, अभी एक E1 P1 E2 P2 देखा था, यहाँ पे M1 V1 M2 V2 देखना है, ठीक है। एक solution है जिसका 0.1 molar solution दिया हुआ है और stock solution है, पूछा जा रहा है कि इसका कितना volume चाहिए आपके 0.1 ml और 0.0005 molar solution बनाने के लिए। So M1 दिया है 0.1 molar जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, M2 आपका दिया हुआ है 0.005 molar, V1 आपसे पूछा है और V2 दिया है 0.5 molar। वही फॉर्मूला M1 V1 is equal to M2 V2, V1 पूछा है तो M1 को नीचे ले आइए, पुट करिए सारी वैल्यूज को, सॉल्व करेंगे 0.0025 ml। ये भी करवाया जा चुका है आपसे क्वेश्चन, इज इट क्लियर। ये आपका क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री 2019 का है। नाउ आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था डेल्टा जी को बस आपको देखना होता है कि उल्टा करके जोड़ना है कि सीधा करके जोड़ना है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग उर्वशी, वेलकम टू द सेशन। दैट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द साइट्रेट लाइगेज, ठीक है, इसमें एक -670 दिया है, -8192 दिया है। देखिएगा साइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सिलो एसिटेट में इस तरीके से, जिसकी एनर्जी -670। एसिटाइल को ए ऑक्सिलो एसिटेट और H2O यहाँ साइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है कोएंजाइम ए, जिसकी डेल्टा G2 दिया है यहाँ पे क्या, दैट इज द -8192। पूछा क्या था, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एसिटाइल को ए हाइड्रोलिसिस, मतलब कि एसिटाइल के को ए का हाइड्रोलिसिस मतलब क्या कि टूटना, हाइड्रोलिसिस मतलब यही इक्वेशन पूछना चाह रहा कि कैसे टूटेगा। इन दोनों इक्वेशन को कपल कर दोगे, देखो साइट्रेट यहां से कैंसिल, साइट्रेट यहां इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सिलोएसिटेट यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो सीधा सीधा आ जाएगा एसिटाइल कोए की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H2O जुड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटेट में और कोएंजाइम ए में। सो वो हाइड्रोलिसिस, अगर इक्वेशन की बात करोगे यहाँ पे, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो इक्वेशन के बाद क्या जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कटेगा, ठीक है, ये इक्वेशन इससे कटेगा और ये कटेगा इससे दोनों को जोड़ने के बाद, तो ये आ जाएगा एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए आ जाएगा, ये प्लस होगा H2O से, ये कन्वर्ट होगा एसिटेट में
एंड को ए में, एसिटेट एंड प्लस को ए में, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, -8192 -670, ये वैल्यू आ जाएगी -8862। इज इट क्लियर? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कपलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री का है। क्या है क्वेश्चन जरा सा देखना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज वॉज इंक्यूबेटेड विद द 0.2 मोलर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑन रीचिंग द इक्विलिब्रियम। मतलब क्या इंक्यूबेट किया गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इंक्यूबेट किया गया। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये बोल रहा है ऑन रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम, इनिशियली ये था 0.2 मोलर और ये था जीरो, इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है, तो 55% ऑफ 0.2 मोलर वाज कन्वर्टेड, वो किस में हो जा रहा था? फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 55% कन्वर्ट हो गया, यानी कि 55% कन्वर्ट हो गया। जरा से इसको देखना जी, अगर मैं कहूं कि 55% कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है, 0.2 मोलर, तो यहां पे क्या बचेगा? 45%, यहां पे क्या बचेगा? 45% बचना चाहिए। यस और नो? वेरी गुड इवनिंग रूबी, वेलकम टू द सेशन। समझ में आ रहा है? तो इसका 45% ऑफ 0.2, जरा सा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जी? 45% सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.09, ये आएगा 0.। कैलकुलेटर लेके बैठना, आप ही से कैलकुलेट कराने वाला हूं जो क्वेश्चंस नए होंगे, बाकी तो क्वेश्चंस आप काफी कर चुके होंगे, बाकी नए जो होंगे इस तरीके से चलेंगे। देखिएगा 50% क्या हो जाएगा, 55% क्या हो जाएगा? 0.11 होना चाहिए, 0.11, 55% जी बिल्कुल। पूछा क्या है? ये पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है? 0.11 मोलर और रिएक्टेंट कितना है? 0.09। सॉल्व करोगे कितना आ रहा है? 1.23 आपके आसपास आएगा, 1.23 या 22। क्लियर है जी? सिंपल रिएक्शन काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, रिएक्शन 22 आ रहा है। चलो अच्छी बात है, 22 आएगा बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट 55 करोगे तो गलत आएगा। ठीक है, गलत आएगा क्यों? जरा 55 और 45 करना, तो 55 अपन 45 करो कितना आ रहा है ये? Yes, you can do that. Yes, you can do that. ठीक है, आप कर सकते हो, क्योंकि concentration percentage जो होगा, आप direct इसको ये भी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि दोनों में percent ये तो same है ना, ये जब same है तो आप इसको इस तरीके से भी solve कर सकते हो। You can use the short trick also. Yes, exactly, कि आप इस पे ये भी solve कर सकते हो कि direct जितना percentage convert हो रहा है, product हो रहा है 55% और reactant होगा 45%, इससे भी आप solve कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1.22। Yes, you can do that. Okay, same आएगा. Now, next question. Excel 2016 biochemistry. Delta G free energy का question है जी. क्या question है? कि for the malate dehydrogenase catalyze steps Krebs cycle का ये दिया हुआ है plus 71 kilo calorie per mole. Nevertheless, the conversion of malate to oxaloacetate in vivo proceeds spontaneously because the subsequent reaction that consumes oxaloacetate has delta G. अगर इस ये है, यहाँ पे अगर solution के बारे में बात करो, तो solution के बारे में देखना कि दिया हुआ है plus 7.1 किलो कैलोरी, इसका मतलब है कि ये non spontaneous है, इसका मतलब है कि ये क्या है? non spontaneous है। और इसको अगर spontaneous बनाना हो, अगर spontaneous बनाना हो, इसको स्पॉन्टेनियस बनाना हो, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो डेल्टा जी चाहिए वो डेल्टा जी मस्ट बी ग्रेटर देन -7.1 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है? 7.1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 7.1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए और निगेटिव में होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल निगेटिव आएगा। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द सी ऑप्शन। ठीक है, द ओनली सी ऑप्शन जो कि इसके नेगेटिव से ज्यादा है, जो कि इसको कन्वर्ट करेगा। क्लियर है जी? बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो, गेट बायोटेक्नोलॉजी 2018 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, ये है गेट बायोटेक्नोलॉजी 2018 का।
आपको बता दूं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं, आप अपने आप में खुश फील किया करें, क्योंकि आपके लेवल क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है लाइफ साइंस के न्यूमेरिकल से, बायोटेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल लाइफ साइंस से थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सोडियम का दिया हुआ 55 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन साइड द सेल इज 20 मोलर, एज्यूमिंग दैट परमिएबल टू सोडियम ओनली दैट द Na+ कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज, ठीक है। इस यहाँ पे फैराडे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इसका सिंपल सा वही आप यूज करेंगे। देखिए व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखिए आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द अप्रोच। अगर अप्रोच समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे, आप लोग अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। व्हाट शुड बी योर अप्रोच हियर, ये एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा जी, ठीक है। सी हियर पूरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, एनर्जी का इक्वेशन अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो इक्वेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन इन अपॉन आउट, यहाँ पे इन अपॉन आउट प्लस जेड एफ साई होगा। अब इन अपॉन आउट क्यों होगा जी, इन अपॉन आउट क्यों होगा, इसके पीछे बड़ी सी कहानी चलती है, क्या है देखिएगा, क्या दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल 50 मिली वोल्ट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन इधर दिया है, ये दिया है, परमिएबल है। सोडियम का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट आउट टू इन होता है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट आउट टू इन, कॉन्सेंट्रेशन जो पूछा है आउट के बारे में पूछा है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम आयन इज 55 मिली वोल्ट, Na इनसाइड द 20 मिली मोलर, एज्यूमिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करना कि कैसे इस तरीके से चलेंगे। अगर आप आउट और इन कभी कंफ्यूज भी कर जाते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर आउट और इन कभी उल्टा भी हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं कुछ अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, द ओनली डिफरेंस विद द साइन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर निगेटिव हटाना होता है तो एल एन एन आपको एन नॉट कर देते थे, यही बताया हूं ऊपर से नीचे, ओनली डिफरेंस विद द साइन, तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन अगर कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता, अगर कुछ चेंज भी हुआ ना तो कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव तो आ नहीं सकता, समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो अगर निगेटिव आता है तो बस समझ लेना कि आपने उल्टा लिया था रेशियो, वैल्यू वही रहेगा, ये याद रखना, सिर्फ निगेटिव का चेंज होगा, वैल्यू का चेंज नहीं होगा। तो कभी ये टेंशन मत लेना कि ऊपर नीचे क्या करना है, सिर्फ साइन का चेंज आएगा और ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। नाउ आप देखिएगा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल दिया है 55 मिली वोल्ट, इसको मोल्ट में कन्वर्ट करो, टी को केल्विन में कन्वर्ट करो, सोडियम इन 20 मिली वोलर है, फैराडे कांस्टेंट दिया है, आर की वैल्यू दिया है, जेड होता है सोडियम के लिए 1, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, तो डेल्टा जी को करो 0, RTLN N in upon N out को यहाँ पे ZFSI किया, ZFSI एक को इधर भेजा तो माइनस ZFSI हो गया। इस वैल्यू को अब सॉल्व करने की कोशिश करना, ये RTLN RT को इधर भेज दिया, ZFSI माइनस ZFSI डिवाइडेड बाई RT, ये फॉर्मूला हो गया। अब पूरा वैल्यू रखो यहाँ पे, Z की वैल्यू रखो 1, F की वैल्यू, साई की वैल्यू रखा मिली वोल्ट को वोल्ट में रख के किया है, यहाँ पे आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो -2.394 आ रहा है, -2.394। अब देखो कि यही चीज नेगेटिव आ रही थी, जो आपने अभी बताया कि आउट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, एग्जैक्टली सोडियम जो होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखिएगा बस आपको बताने जा रहा हूं कि सोडियम क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, सोडियम का मूवमेंट होता है इन टू आउट होता है, तो यहां पे अगर के की वैल्यू आनी चाहिए आउट टू इन, ठीक है, के की वैल्यू आउट टू इन। यहाँ पे देखो ये जो निगेटिव आया है, अपने आप इसको हटाने के लिए मैंने आउट टू इन कर दिया, सही आ गया, वही चीज है जो एग्जैक्टली आप अभी मधु बता रहे थे, तो एग्जैक्टली वही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वही चीज है कि अगर निगेटिव आ रहा है तो चेंज करके आप अपने सही जगह पे पहुंच जाओगे, कुछ भी लोगे वो आ जाने वाला है। नाउ अब देखेंगे आउट और इन को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउट जो है, आउट और इन हो गया, एल एन को हटाएंगे तो इस वैल्यू को ई के पावर में ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ई के पावर में ले आएंगे आप यहाँ पे, सो इसके ई के पावर सोडियम इन, इन की वैल्यू दी हुई थी, आउट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो जी, 169 कहते हैं मिली मोलर आ जाएगा। Hey guys, so hope कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ और क्रैश कोर्स, कुछ और ट्रिक्स, कुछ और कोर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्लियर है।